Hey guys, Tugu Kitchen में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं मैक एंड चीज की रेसिपी, जो कि एक 500 साल पुरानी रेसिपी है, जिसका उल्लेख मिलता है हमें मैरी रेंडोल्फ की किताब वर्जीनिया हाउसवाइफ में। तो जल्दी से अपनी कढ़ाई को चढ़ा दीजिए गैस पे, क्योंकि मैं आपसे सारे पास्ता को बॉयल करने की सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। हम इसे 3 स्टेप में ब्रेक कर देते हैं। पहला स्टेप, पानी को बॉईल पे लेके आएं। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसमें सॉल्ट ऐड करें। यहाँ हमें 4 टेबलस्पून सॉल्ट चाहिए होगा। सॉल्ट ऐड करते ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये था हमारा सेकंड स्टेप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अपनी मैक्रोनी को सॉल्टी करने का। थर्ड स्टेप के लिए चाहिए आपको एल्बो शेप पास्ता या फिर मैक्रोनी। कोई और शेप का पास्ता क्यों नहीं, एल्बो शेप ही क्यों? क्योंकि ये शेप हेल्प करती है चीज़ को पास्ता में जाने में। इसकी हेल्प से हमारी हर बाइट चीज़ी हो जाती है। अब हम करेंगे इसे अच्छे से बॉईल। जब ये बॉईल हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, उतना ही ध्यान जितना हम चावल पकाते वक्त रखते हैं। जब चावल पक रहे होते हैं हम उन्हें बार बार नहीं हिलाते हैं, बार बार हिलाने से वो टूट जाते हैं। वैसा ही मैक्रोनी या पास्ता के साथ भी है। उसे एक बार चम्मच की सहायता से हिलाएं और फिर उसे छोड़ दें। बातों बातों में मेरी मैक्रोनी तो हो गई है तैयार। अब हम इसे छान कर धो देंगे। इसे धोने से होंगे 2 काम। एक तो ये स्टिकी नहीं रहेगा और इसका स्टार्च निकल जाएगा। दूसरा ये होगा, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट इस पे स्टिक है वो निकल जाएगा। पास्ता बॉइल करना तो आपने सीख लिया, अब वाइट सॉस बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले अपनी कढ़ाई में डालें ऑयल, उसके ऊपर डालें 4 चम्मच बटर। इस पॉइंट पे ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑयल ऐड ना करें जिसका कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। हो सके तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें। वाइट सॉस के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले गार्लिक को सॉटे करें। इसे अच्छे से पकने दें और पकने के बाद इसमें मैदा ऐड करें। अगर आपको मैदा से एलर्जी है तो आप इसमें आटा भी ऐड कर सकते हैं। हमेशा मैदा को लो फ्लेम पर पकाएं, नहीं तो ये ब्राउन सॉस बन जाएगा। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें दूध ऐड करना है। अब क्वेश्चन है, भाई कितना दूध और कितना मैदा? तो याद रखिए, हर 1 चम्मच मैदा पे 1 ग्लास दूध ऐड करना है, और कभी भी सारा दूध एक साथ नहीं डालना है। दूध को धीरे धीरे ऐड करने से उसमें लम्स नहीं रहते। मेरे एक्सपीरियंस से वाइट सॉस बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो है ये विस्कर। अगर आपके पास ये नहीं हो तो फोक इस्तेमाल करें। जब ये क्रीमी टेक्सचर बन जाए तो इसमें सारी सब्जियां ऐड करें। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अनियंस डाले हैं और इन्हें थोड़ा कुक करूँगी, फिर कैप्सिकम्स डालूँगी। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। आप ब्रोकली डालें, कैबेज डालें, कुछ भी, कोई भी सब्ज़ी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जितनी हो सके उतनी सब्ज़ी डालें, क्योंकि एक ऐसी रेसिपी है जिसमें आपके बच्चों को कभी पता नहीं चलेगा कि आपने उन्हें कितनी सारी सब्जियां खिला दी है। अब हम इसमें सीजनिंग डालेंगे। आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग या पास्ता सीजनिंग होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड होके चिली फ्लेक्स ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, क्योंकि वो डालने से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और ये लाल दिखने लगेगी। अगर आपका वाइट सॉस बहुत गाढ़ा है तो इसमें पानी ऐड करें। इस पॉइंट पे दूध ना ऐड करें, सिर्फ पानी ही ऐड करके इसे एडजस्ट कर लें। सबसे लास्ट में इसमें नमक ऐड करें, इसे पकने दें। इसके अच्छे से कुक होने के बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैंने इसमें सब्जियां ऐड करने से पहले थोड़ा वाइट सॉस अलग निकाल लिया था। मैक्रोनी ऐड करने के बाद भी हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है, और उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि इसमें सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है मोज़रेला चीज़, इसलिए मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कोई और चीज़ पसंद है तो आप 2-3 चीज़ का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि मोज़रेला चीज़ इसमें सबसे क्रीमी टेक्सचर देता है तो मैं सिर्फ वो ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसको आगे बेक नहीं करने वाले हैं और ऐसे ही खाने वाले हैं तो सारी मोज़रेला चीज़ अभी ही डाल दें। क्योंकि मैं इसको बेक भी करूँगी, मैंने केवल इसका 1/4 पार्ट ही यूज़ किया था। बेक करने के लिए सबसे पहले अपने टिन में एक नीचे वाइट सॉस की लेयर बनाएं।
फिर उस पर अपनी मैक्रोनी डालें और फिर एक सॉस की लेयर बनाएं और उसके ऊपर अपना चीज़ डालें। क्योंकि मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, इसलिए मैंने सिर्फ एक टॉप लेयर ही मोज़रेला चीज़ की बनाई है। अगर आप दूसरे चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अंदर भी डाल सकते हैं। दूसरी वाइट सॉस की लेयर डालने के बाद आप इस पर मोज़रेला चीज़ डालें या फिर आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो डालें और अपने ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें 180 डिग्री पे। जब तक ओवन प्रीहीट हो रहा है, अपनी मोज़रेला चीज़ पे ऑलिव ऑयल डालें, जिसकी हेल्प से इसमें कलर और अच्छा आएगा। और इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे बेक करें 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये हॉट और बबली ना हो जाए। अगर थॉमस जेफरसन नॉर्दर्न इटली से शिप भर के अपने दोस्तों के लिए और गेस्ट के लिए एल्बो शेप्ड मैक्रोनी नहीं लेकर आते, या उनकी कज़न मैरी रेडोल्फ अपनी किताब में इसके बारे में नहीं लिखती, या 1937 में, जो कि एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था, एक कंपनी इसका बॉक्स वर्जन नहीं निकालती, तो ये रेसिपी कभी इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं करती और हमारा बचपन इतनी यम्मी और टेस्टी रेसिपी से नहीं भरा होता। थैंक यू मेरी दीदी।